जब से रामचंद्र लौटे हैं लेकर कन्यादान, अयोध्या में हो रहा है तब से मंगलगान। ये हार तुम लो केत की। महारानी की जय हो। जूही, ये मोतियों की माला तुम्हारे लिए। बहुत ही मनोहारी है महारानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मंत्रा, अरे मंत्रा, तुम पीछे क्यों हो? हर्ष के इन क्षणों में मुझसे इतनी दूर क्यों खड़ी है? देखना, तेरे लिए तो मैंने नौलखा रखा है। रानी, लगा मुझे है धक्का, नहीं चाहिए ये नौलखा। अरे मंत्रा, ऐसे क्यों कर रही है बात? शब तेरे कर रहे हैं बाणों सा आघात। अरे मेरी प्यारी महारानी, तू सचमुच कितनी भोली है। तू शंभू के चरणों पर चढ़ने वाली चंदन रोली है। ज्ञात भी है तुझको, हो रहा तुझ संग छल। राज रानी से बन जाएगी तू क्षण भर में निर्बल। महारानी बन के ले रही है तू सारे सुख भोग। राम के राजा बनते ही लग जाएगा तेरे भाग्य को रोग। कैसी बातें कर रही है मंत्रा, है तुझको इसका भान? मेरे राम पर शंका कर रही है? तू है बेहद नादान। मेरा राम है सबसे उत्तम, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरी प्यारी रानी, दिखता नहीं क्या तुझको माँ बेटे का स्वंग? अरे तूने बांध ली है पट्टी आंखों पर या चढ़ा लिया है भंग? मंत्रा बस कर, अन्यथा दिलवा दूंगी तुझको मृत्यु दंड। तेरी विष भरी ये बोली कर रही कलेजे को खंड खंड। राजा बने राम या भरत बने, मैं तो रहूंगी दासी। मेरे भाग्य में नहीं राजभोग, खाना है मुझको बासी। किंतु अगर राम बना राजा तो राजमाता का पद होगा कौशल्या के हाथ। फिर सोच क्या मिलेगा तेरे भरत को और क्या होगा रानी तेरे साथ। दीदी, कौशल्या नहीं है ऐसी, तू बातें कर रही है जैसी। अरे तू राजा की प्रिय रानी है, क्या नहीं चुपती होगी कौशल्या को ये बात? जब उसका पुत्र बनेगा राजा तब वो लेगी गिन गिन कर बदला और मारेगी लात। इधर मंथरा भर रही कानों में विष का घोल, उधर राज्य अभिषेक के लिए बजने लगे नगाड़े ढोल। ध्वजा राम नाम के गड़ने लग गए चारों ओर, उधर को भवन में पहुंची कैकई भोरम भोर। महाराज को नमन। दासी, स्वर में इतनी मायूसी क्यों है? इस शुभ अवसर पर आखिर उदासी क्यों है? रो रो कर आंखें सूजी है, छोड़ दिया है दाना पानी, कोप भवन में जा बैठी है हमारी प्रिय महारानी। क्या कहा, कोप भवन? अब बस मुझ पर दया करना है त्रिभुवन। सब छोड़कर दौड़े दशरथ, जानने कैकई का मनोरथ। बतलाओ महारानी अपने कोप का कारण, तत्काल करेंगे हम उसका निवारण। खाए जा रहा है मुझको कैकई तुम्हारा ये मौन, अब बतलाओगी तब तो मैं जानू आखिर क्रोध का कारण है कौन। रहने दे महाराज। सबके लिए महाराज, किंतु तेरा हूँ मैं दास। तू मेरी प्रेयसी है, तीनों रानी में सबसे खास। अच्छा, कैकई, मांग लो तुम आज जो कुछ है मेरे पास, किंतु देख नहीं सकता मैं तुमको और उदास। बहुत सुनी आपकी बात, अब रहने दे महाराज, मेरी मांग मनाने में लुट जाएगा सारा राज। हे प्रेसी, तुम बस एक बार दे दो आदेश, अरे देखना मैं न्योछावर कर दूंगा तुम पर पूरा देश। देवासुर संग्राम में जब लड़ रहे थे महारथी, तब ये कैकई ही बनी थी आपके रथ की सारथी। भली भांति याद है प्रिया, और याद है तुम्हें दिए हुए दो वचन। तुम्हारे उन्हीं वचनों का दास है ये दशरथ आजीवन। नियति की समझ सके ना राजा दशरथ चाल, कैकई के मुख से बोल रहा था उनका काल। जैसे रात निगल जाती है जगमग करता सूरज, वैसे ही राजा दशरथ खो रहे थे अपना धीरज। ना सोचा था नरेश ने
बढ़ने से पहले कैकई की माँ, अति प्रिय महारानी उनकी, कभी धरेगी प्राण दान की मांग। तो आज वचन पूरा कीजिए महाराज, छोड़कर आज के सारे राजकाज। महाराज अगर हैं तैयार रघुकुल की रीति निभाने को, तो मैं भी हूँ तैयार अपने दोनों वचन सुनाने को। मांगो के कई, आज मैं हूँ अति प्रसन्न। कहीं मांग सुन मेरे आप हो न जाए सन्न। मतलब? तो सुने महाराज, मेरे भरत को मिले कौशल देश का राज, और राम को हो आदेश जंगल जाकर बन जाए वनवासी आज। केकई, रानी के सुनकर वचन दशरथ हुए अधीर, लगा कि जैसे सागर उमड़ा छोड़ के अपना तीर। मंगल गाते भवन में छाया क्षण में शोक, वज्र समान शब्दों को सुनकर हिल गए तीनों लोक। फूल तेरे सीने में उतरे बनकर विष की गोली, रानी कहते कहते कि तू कर रही ठिठोली। राम को दूध पिलाया जग कर खुद जिसे सुलाया, उसको भेज रही वनवास। इतनी निष्ठुर कब हो गई के कई, क्या हृदय नहीं अब तेरे पास। भरत को सिंहासन, राम के हिस्से वन, जाने कैसे बदल गया कैकई का मन। गले में था अटका दशरथ जी का प्राण, वचन का आपने रखना था जो मान। दशरथ के आदेश पर प्रस्तुत हुए श्री राम, माता और पिता को नतमस्तक हो किया प्रणाम। पिताश्री। राम राम हे राम। राजा का निर्बल पड़ जाना नहीं है अच्छा योग, तत्काल बुलवाइए वैद्य अगर हुआ है कोई रोग। राम मेरे अपने ने आघात किया है, पीठ पर चाकू का करे बताओ क्या। असमंजस में है वंशज इच्छुवकु का। ये तो मेरा सौभाग्य है पिताश्री कि माता की इच्छा पूर्ति हेतु वन जाऊंगा। भगवान श्री गजानन ने तो अपनी माता की इच्छा के लिए अपने शीश तक की आहुति दे दी थी। मुझे तो मात्र 14 वर्षों के लिए ही वन जाना है पिताश्री। 14 वर्ष हे राम हे राम। पिताश्री, जंगल जाने का सौभाग्य कहाँ सभी को मिलता है, वन जाकर ही तो होती है साधना और कमल ज्ञान का खिलता है। ये मोहक बातें राम मुझे अब कौन सुनाएगा। लौटेगा जब वन से बेटे तो जीवित मुझे ना पाएगा, जीवित मुझे ना पाएगा। तात, हम दो देह एक प्राण हैं, भरत सभी का ध्यान धरेगा। देखिए पिताजी, वो मुझसे भी उत्तम कार्य करेगा। इधर पड़ता गया अयोध्या के रंग में भंग, उधर सीता और लक्ष्मण हो लिए श्री राम जी के संग। करें क्या बस इसे अब राम जाने, वही निष्ठुर नियति का काम जाने। नवाकर शीश कुल भर को किया प्रस्थान वन की ओर, छोड़कर धन धान्य आज राम खड़े हैं जन की ओर। चले राम, रथ तैयार है। चलिए आचार्य सुमंत। हम विरोध करेंगे। हाँ हाँ हाँ, विरोध करेंगे। अगर फिर भी आप नगर छोड़ के जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। सीते, वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। तुम क्यों वनवास आ रही हो? नाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके हर सुख दुख में साथ देना मेरा कर्तव्य है। भैया, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर आप वनवास जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण,
माँ। झुक झुक जियो मेरे लाल, तुम्हारे जैसे पितृ भक्त की माँ होना ये मेरा सौभाग्य है, अपना ख्याल रखना। पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए। राम राम मुझे छोड़ के मत जाओ राम, मेरे राम मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ राम। राम के पीछे चलती नगरी सारी, झेलने जंगल की मुश्किल भारी, राम ने सबको सोता छोड़ देखा आर्या सुमंत की ओर। सुमंत कीजिए तैयारी आप नगरजनों की वापसी का, हम निकलेंगे करने दर्शन अत्रि महर्षि का। राम पाए ना देख दुख अपनी जनता प्यारी का, इसलिए बड़े भाई के साथ पकड़कर हाथ जनक दुलारी का। बढ़ते चले राम जी पत्थर पर नंगे पांव, बीच में पड़ गया निषाद राज गुह का गांव, साथ में उनको लेकर करने लगे गंगा पार, तब केवट ने मांग लिया अपने जीवन का उद्धार। हम अब वनवासी हैं, नहीं है संकोच खास, उतराई में देने को बस ये मुद्रिका ही है मेरे पास। कैसी बात कर रही है माई, केवट नहीं लेता केवट से उतराई, हम तो करवाते हैं गंगा पार, पर श्री राम करवाते हैं भवसागर पार। दशरथ ना कर सके सहन राम लखन का वन गमन, धीरे धीरे दशरथ ने छोड़ दिया शरीर, अब अयोध्या के हिस्से थी 14 बरस की पीर। हर लिए तुमने प्राण पिता के, नहीं हो तुम मेरी माता, तुम्हारा पुत्र हूँ मैं, सोचकर हूँ बहुत लजाता। भरत तुम्हारी रात अकती बैठती थी द्वार पर नीट, किया जो कुछ भी मैंने उसमें था पुत्र तुम्हारा ही हित। हित कैसा हित, कि हर लिए खुद के पति के प्राण और मर दिया पाप सिर पर मिटाकर निज पुत्र का मान। तात तात करे अपने पुत्रों से बात, हुई बोर बीती काली कजरी रात तात। पुण्यात्मा दशरथ को जाना है अब बैतरणी के पार, भरत धरो धीरज करो पिता का अंतिम संस्कार। पिता को दी आग भरत ने धरकर सीने पर शिला, दो वचन में खो दिया सब, कैकई को क्या मिला। महारानी की जय हो, सभी स्वजनों को सूचित करने कहा गया है कि कल प्रातःकाल राजकुमार भरत, राजकुमार शत्रुघ्न, कुलगुरु वशिष्ठ, राजश्री जनक और रघुकुल के सभी बंधु बांधव वन में जाकर श्री राम को ससम्मान वापस अयोध्या लाएंगे और स्वर्गीय महाराज दशरथ की मनोकामना को पूर्ण करते हुए उनका राज्याभिषेक करेंगे। आज जगत के हर नाते में देखो खुदी पड़ी है खाई, लेकिन राम के साथ खड़े थे लखन भरत जैसे भाई। राम भरत का मिलन देखकर अंबर भी होगा गीला,